आज मस्जिद को बनाने में असर साहब का हाथ और हम एक कारिंदी के तौर पर काम किए। 10 साल से मैंने बतौर खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाए यहाँ पर। दूसरी मरतबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था, असर साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असर साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियां इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेके अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। सही बात। और यहाँ पर मैं बम्बई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया, आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीट, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिरका परस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मुआत्मना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, चल जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ चलिए, जय महाराष्ट्र। फैयाज अहमद जी, क्या कहना चाहते हो आज जो पूरा हंगामा हो गया, जबकि एमएम पार्टी की जो मीटिंग थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझको कल तकरीबन शाम को 5-6 बजे करीब इनका जेल का फोन आया और ये कहा गया कि फैयाज भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है, तो बस ऑफिस साफ करवा दीजिएगा और प्रेस का इंतजाम कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और अमर बारा साहब भी आ रहे हैं, बोले ठीक है। तो मैंने शायद आप लोग को कॉल किया, मैंने कि आके बैठ के बात करना हो। यहाँ पर आने के बाद मैंने मंजर कुछ और ही देखा। जब मैं आया तो उस वक्त इंतजार जेल साहब आपको मुखातिब थे, अमर बारा साहब मौजूद थे, पहले इंतजार जेल साहब बोले, फिर अमर बारा साहब बोले, और उनकी बातों का जो मफहूम ये था कि फैयाज अहमद MLA का चुनाव भाई कला से लड़ रहे हैं और पद खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मिलास मैंने लिया, मैंने कहा कि पहली चीज़ तो मुझको अभी मालूम पड़ा है कि मैं पद पर नहीं हूँ। और फिर मैंने अपनी बात रखी कि 10 साल मैंने MM को दिए, पहले मैं कांग्रेस में था, मैं उस वक्त वारिस पठान यहाँ लड़ने आया था, उस पर कोई जानता नहीं था, मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी से मैंने अपील किया था मुझको टिकट दिया जाए, मुझको नहीं दिया, तो वारिस पठान का मैंने काम किया, उसको जिता कराया, उसने बाकायदा तौर पे 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, उसके लिए मुझको अध्यक्ष बनाया गया, मुझको लाया गया, और असद साहब को खुद को झूला मैदान में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर जाके 81,000 वोट मिले। उसके बाद से वो आदमी गायब है, अभी तक कहीं दिखाई दिया नहीं। तो आपने जो मुझको पद दिया है, हाँ, जो मुझको सीट दिया है,
सीट और आपकी जो ये पर जो है आप सीट अपने पास रखो, मैं चलता हूँ, खुदा से बिल्कुल चला आया। आपके बात बोलने की कुर्सी पे से उठने के बाद में फिर सब चिल्ला पकार हुई और जिसमें बोला गया कि इम्तियाज जलील बीजेपी के है और बहुत से ऐसे आवाजें दी गई। मेरा भाई एक बात वाजे होती है, एक ही सीट जीतने की बात कर रहा भाई खल्ला और उसके बगल में हेड ऑफिस है और सदर को चेंज कर रहा, क्या मंत्री उसके पीछे। सदर होते हुए जब चुनाव लड़ता है तो उसका वेटेज बढ़ता है, सदर ना रहते हुए आप चुनाव लोगे उसमें वेटेज कम होता है। मतलब ये कि आदमी को डिस्टर्ब कर दो, परेशान कर दो और ऐसे आदमी को ला के मुतयन कर दो कि आदमी को जमीन तौर पर परेशान करे या आके इंटरफेयर करे आपको। तो मैंने कहा भैया फायदा क्या, आप तो लगता है भाजपा के लोग हैं मेरा और सिंधी सेना के लोग हैं आप। मैंने बाहर निकल के कहा कि सेना के और ये सॉरी भाजपा के ये इसके सिंधे के लोग जो उनकी इमा पर काम कर रहे हैं और उसी इमा के ऊपर मुझसे पल लिया गया। मैंने रैली इतनी बड़ी कि आप लोग खुद मौजूद थे, उसके देखा ना करीब रैली, उससे भयभीत होकर मामला रैली कर रहे हैं। मैं तो ड्रग्स के खिलाफ रैली निकाला था हाँ, और काफ़ी कामयाब रैली थी। और ड्रग्स किसके लिए था मेरा भाई, नई नस्लों को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। आज तक मुंबई शहर में किसी ने रैली किया है क्या हा? मैं तीसरी रैली थी मेरी ये, ताकि समाज को अपन अवेयर कर सके, समाज को उठा सके, समाज को बता सके नशा गलत है, उसका मुझको ये परिणाम दे रहे हैं आप लोग। क्या आप अभी पार्टी में रहोगे क्या? मेरा भाई मैं तो पार्टी को त्याग करके वहां से आ रहा हूँ मैं, और बबांगे दोहर मैंने उनसे कहा कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपकी पद आपको मुबारक। क्या आपको लगता है जो आपके जो एमएम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है ओवैसी साहब, उनको भी इसके बारे में पता था? और मेरा भाई मैं एक बात जानता हूँ, बगैर ऊपर के लोगों से इजाजत किए नीचे कुछ नहीं होता। यहाँ पर एमपी के चुनाव में चांदी वली में रमजान चौधरी नाम का व्यक्ति खड़ा किया बगैर मेरी इजाजत के, और बम्बई के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था, न यूथ को पता था, न डिस्ट्रिक्ट को पता था, न तालुका को पता था, न वार्ड को पता था। जाके 3 बजे के बाद रमजान चौधरी को छुट्टी भरवा दिया गया वहां पर और ऐलान कर दिया गया। तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको, और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा। ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे में पता होगा ना मेरा भाई, उसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा भाई। आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा एमएम पार्टी को लेकर मुंबई में? मैं अपनी जात को बोल रहा हूँ, मैं जहां तक मैं अपना मुतमईन हूँ एक बार से कि मजलिस जो है कौम का नाम है उसके सर पे लगा हुआ है, लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं है। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं और सिर्फ बोल बचन कर रहे हैं लोग, बोल बचन कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मदाई हो। मैंने बाकायदा तौर पर जो अपने जेब हो सका जेब से मैंने काम किया वहाँ पर, जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मैंने। आज एन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की जरूरत क्या, चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, जमशंकर है, उनके बीच में मैं ना 41% मुसलमान यहाँ पर है, तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, लोग बताएंगे क्या मेरा ग्राफ है, क्या लोग उसको चाहते हैं, और ऐलान कर दिया गया। तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको, और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा। ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे में पता होगा ना मेरा भाई, उसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा भाई,
आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ, तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा MIM पार्टी को लेकर मुंबई में? मैं अपनी जात को बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैं अपना मुतमईन हूँ, एक बार सी की मजलिस जो है कौम का नाम है उसके साथ भी लगा हुआ है, लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं है। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं और सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं। लोग बोल वचन कर रहे बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर, 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मजाई हो। मैंने बाकायदा तौर पर जो अपने हो सका जेब से मैंने काम किया, वहाँ पर जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मेरे को। आज ऐन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की जरूरत क्या, चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, जमशेदकर है, उनके बीच में 41% मुसलमान यहाँ पर है, तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, लोग बताएंगे क्या मेरा ग्राफ है, क्या लोग उसको चाहते कि नहीं चाहते। और वारिस मियां के बारे में पूछें आप जाके, वारिस कितना चाहते कितना नहीं चाहते पता चल जाएगा आपको। तो ये सारी बातें जो मेरा भाई मुझको एक बार साफ होगी कि ये सिर्फ एक कमर्शियल लोग हैं, इनका सोशल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। आज 5 साल हो गए इम्तियाज जेल महाराष्ट्र के सदर हैं, एक मरतबा भी कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आए हैं क्या? वो 6 MPs हैं यहाँ पर, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 MLA हैं, 27 नगर सेवक हैं। मैं सब जगह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, तालुका प्रेसिडेंट बनाया, अवार्ड का काम मैंने किया। सिर्फ बुराई ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं आप, हाँ कभी तारीफ तो करो हमारी। तो ये बात समझ में आ रही है, कोई काम से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने जेब गराबों को देखना। फैज जी आपसे एक आखिरी सवाल, क्या यहाँ के जो लोग आवाम है बाइकला मदनपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनके कहने पे क्या आप इस चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़े हो गए? देखिए मेरा भाई, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, समझे ना, क्योंकि ये सारा मामला जो है आवाम का है, फैसला वो करेंगे, खड़ा होना नहीं होना, क्या होना क्या नहीं होना। मेरे दिल की बात मैं बोल के हट गया मेरा भाई, मैं कभी भी किसी भी तरीके से परेशे में रहकर काम नहीं कर सकता और मैं किसी दबाव में आके मैं काम कर सकता। मेरी यही बेबाकी जो है, चाहे असम्बली में हो, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में, हर जगह बेबाकी से जाना पहचान जानता हूँ। और मैं मदनपुर वाला हूँ, मदनपुरी की जुबान बोलता हूँ, मदनपुरी की पहचान बोलता हूँ, मदनपुरी की शनाख्त हूँ। मैं दबने और ठसने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जब मैं यहाँ पे ला के MIM को जिंदा कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो उसका आखिर भी मैं ही करूँगा इंशाल्लाह। फैज भाई, इम्तियाज जलील ने कहा है कि आपने पॉलिटिकल सुसाइड किया है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर। मेरा भाई ये पॉलिटिकल सुसाइड वो नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ कौम की दर्द में, मिल्लत की दर्द में, समाज की दर्द में, मुल्क के आइन को बचाने के लिए इस पार्टी में था मैं, लेकिन उसका पूरा सिरजा बिखर गया। मेरे सामने बुला के बोल रहे हैं कि उसको ये अध्यक्ष बन रहे, मुझको मालूम अभी पा रहा है लश्करी बन रहा है, ये कितना बड़ा गलत काम किया लोगों ने। और आज तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपने देखा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बात होती है, जब आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा। मैं 1 टर्म MLA, 3 टर्म नगर से रह चुका हूँ और मेरी ऑफिस भी वही है, घर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, वही दो सहबाबों का लश्कर मेरे पास आज भी है, मेरे कोई बदला नहीं है। इनका घर पता लगा लो आप, प्रॉपर्टी पता लगा लो, सब हम पड़ेगा कौन कितना दम कितना खम है उनके अंदर। आज तुम हैदराबाद से यहाँ पे आए ना, हाँ आपको स्वागत किया ना, मैंने प्यार भी दिया ना आपको, हाँ, लेकिन ये सब ये सिला दे रहे आप, हाँ मेरा टिकट भी अनाउंस करें आप लोग, तो टिकट मसला नहीं मेरा, मैं मदनपुर के कांधे पे आखिरी सफर करूँगा मैं, हाँ कांधे देने आप नहीं आओगे, मेरे लोग ही आएंगे ना, तो उनके साथ मैं गद्दा ही नहीं कर सकता। जो बात है फैक्ट बोल रहा हूँ आपसे। मैं इम्तियाज जलील ने ये भी कहा है कि वो आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मेरे को चर्चा दो लाद करो आप, लेकिन जो बातें हो गई हो गई, मैं चर्चा करने के मूड में हूँ ही नहीं, क्योंकि आपने बाबा ने गोल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बुलाकर मेरे जहन को आपने ठेस पहुँचाया है।
मैं ईमानदारी से काम करने वाला, 10 साल मैंने MIM पार्टी को दिया है मैंने, एक तुम्हारे लूले लंगड़े आदमी को मैंने लेके झेला हूँ यहाँ पर मैं, और मैंने पूरा मदनपुर इस बात का गवाह है। आप बाहर निकले किसी से पूछे ना, आपको सब मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। उस आदमी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे, वर्ष पड़ गया पर हमारे यहाँ कितने दो सभा है ना, वो लोग चंदा करके चुनाव ला के दिया उसको। वो आदमी ने कभी छापने वाली बीच नहीं लिया है, और आज पूरा खेल कर रचेता वही शख्स है, समझे, लेकिन सामने नहीं आता है। ठीक है, तो आ माता मर्जी तेरी तरह खेल खेला गया, तूने खेला, हमने भी अपनी बात रखी, आवाम फैसला करेगी क्या है क्या नहीं। आने वाला चुनाव सामने है, चुनाव मांग पड़ जाएगा आपको कितना दम होगा, मैं आपने मुझे कितना दम को मांग पड़ जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। सवाल है कि आप वापस कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, मैं मेरी उम्र हो गई है, मैं अपने मोहल्ले में खुश हूँ, मैं अपने लोगों में खुश हूँ, मैं मुझको मेरे मोहल्ले से अलग कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी, NCP पार्टी, जो भी पार्टियाँ पार्टी अपनी जगह पर हैं, मुझको कोई ऑफर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं किसी ने कुछ किया हूँ, और मेरा कोई जाने का मंशा नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ पर था कि यहाँ पर मुल्क, समाज, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान को बचाने की बात थी, इसके लिए यहाँ पे था मैं, और कोई वजह नहीं थी।